अभी कपिला कैंपस में इंटर हो चुके हैं, तो ये आपको इंटर होते साथ ही एक डायरेक्शन बोर्ड नज़र आएगा जिसमें आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आएंगे आर्ट्स के डिपार्टमेंट और राइट साइड पे नज़र आएंगे साइंसेज के डिपार्टमेंट। तो साइंसेज की जो डिपार्टमेंट है उनमें आपको उनका कलर नज़र आएगा बिल्डिंग्स का पिंक कलर, लाइट पिंक सा, और ये जो आर्ट्स के डिपार्टमेंट है इनमें आपको येलोश ग्रीन सा कलर देखने को मिलेगा बिल्डिंग्स का। क्योंकि मैं यहाँ पर किंग अब्दुल्ला कैंपस में खुद भी पहली बार आया हूँ, तो मैं ज़्यादा इस एरिए से वाकिफ़ नहीं हूँ यहाँ पे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो बाकी की जो गाइडेंस है वो आपको हमजा बताएगा क्योंकि ये यहीं पर होता है, यहीं पर पड़ता है। तो आपको लेफ्ट और राइट का तो एहतशाम भाई ने बता दिया होगा, चलें बात करते हैं सेंटर की। तो सेंटर में अगर बात की जाए तो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा एक गार्डन और ये फाउंटेन है जो कि फ़िलहाल तो बंद है, लेकिन ये चलता है कभी कभी। और जो ये गार्डन है ये भी अभी स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये पूरा अभी तैयार नहीं हुआ। मेरे पीछे आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है बड़ी सी, ये है लाइब्रेरी, और इस लाइब्रेरी के साथ ही यहाँ पे ऑडिटोरियम है। आस्ता आस्ता हम आगे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, और आगे मस्जिद भी है। दिस इज ऑडिटोरियम ऑफ किंग अब्दुल्ला कैंपस। सो गाइज ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है मार्केट। मार्केट फिलहाल अभी ये रेडी नहीं की गई, फिलहाल तो अंदर की तरफ सारा कुछ खाली है, बट यहाँ पे आपको ऊपर नज़र भी आ रहा होगा कि मार्केट लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड पे मॉस्क है, इसका फ्रंट व्यू आपको दिखाते हैं। चलें तो यार ये मेरे बैग पे मस्जिद है किंग अब्दुल्ला कैंपस की, और यहाँ पे लड़कियों के लिए भी नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम किया गया है, और वो उस तरफ नीचे वाली तरफ उनके लिए जगह बनाई गई है, तो यहाँ पर लड़कों की नमाज होती है। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी जो कि हमारा डिपार्टमेंट है, हम जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, और ये अभी तक हम शिफ्ट नहीं हुए, बात अलग है। ये सारी क्लासेस, और यहाँ पे ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर जो है डिपार्टमेंट्स का सबका एक जैसा ही है। और ये इधर से इस तरफ आ जाते हैं कुछ ऑफिसेस जो कि टीचर्स वगैरह के होंगे ये सब। यार ये जो साइंसेस के डिपार्टमेंट है ऑलमोस्ट सारों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, तो अब सारे आपको क्या दिखाएं, तो इस तरफ रहे साइंसेस और इस तरफ रहे आर्ट्स। तो अब हम आर्ट्स का विजिट करते हैं थोड़ा सा। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, इसका फ्रंट दूसरी तरफ से जी। चलो ये भी फ्रंट बैग एक ही समझो, कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं है। तो यार यहाँ पे बसेस की पार्किंग है, और ये गर्ल्स के लिए ये बसेस है ना जी। पहले तो जॉइन होता था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स की बसेस खड़ी होती हैं। तो ये आर्ट्स वाली तरफ है, और जो बॉयज़ की हैं वो मेरा ख्याल है साइंसेज वाली तरफ होती हैं। यहाँ पे बसेस के जो डिपार्चर टाइम है वो दो टाइम है, एक तो बसेस का जो पहला डिपार्चर टाइम है वो है 2 o'clock, और जो दूसरा डिपार्चर टाइम है वो है 4 o'clock। तो बस अब ये जाने के करीब है क्योंकि एक हो गया है। ये आपको थोड़ा पता लग गया होगा कि ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स यहाँ से शुरू होता है। लेट्स गो इनसाइड। और ये हमजा भाई हमें गाइड करेंगे यहाँ पे, काफ़ी अरसे से यहाँ पे इनके बहुत दोस्त हैं डिपार्टमेंट में। सो जब आप इंटर होते हैं आर्ट एंड डिज़ाइन के डिपार्टमेंट, सबसे नीचे वाला जो एरिया है ये टेक्सटाइल लैब है, ठीक है। ये हमारे टेक्सटाइल के स्टूडेंट हैं, इधर हैं यार। सो ये जो नीचे वाला एरिया है ये है टेक्सटाइल वालों का एरिया, और यहाँ से जो ऊपर सेकंड बिल्डिंग है ये है ड्राइंग स्टूडियो। ओके। और यहाँ पे जो थर्ड बिल्डिंग है वो है ग्राफिक्स वालों का। थर्ड बिल्डिंग के भी ऊपर जाना पड़ेगा, आस्ता आस्ता हम जाएंगे ऊपर। तो ये कुछ यहाँ के सीनियर्स हैं जिन्होंने अपनी पेंटिंग्स यहाँ पे थीसिस के लिए डिस्प्ले की,
आप देख सकते हैं पेंटिंग्स। सो बेसिकली यहाँ पे बात की जाए तो पेंटिंग का, ग्राफिक्स और टेक्सटाइल, तीन चीज़ें यहाँ पे आर्ट एंड डिज़ाइन। तो ये तो पेंटिंग की एग्जीबिशन है ना? जी ये पेंटिंग की एग्जीबिशन है। ये जो हमारी शॉप है अपर अड्डा, आई थिंक ये सारी मार्केट ये अपर अड्डा है। यस क्लॉक टावर। रास्ता जो है, ये सीढ़ियाँ जो है, ये गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाती हैं यहाँ पे। और हमजा भाई बता रहे हैं कि ये सीढ़ियाँ बनाने का मकसद, यार मकसद ये हमारी जो खवातीन है ये खा पी के घर में बैठ जाती हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई सुबह सुबह जॉगिंग वॉकिंग नहीं। सो ऐसे यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया, उन्होंने सोचा था कि सीढ़ियों को ऐसा बनाएंगे कि लड़कियाँ जो हैं ना वो चढ़ सके और इनकी एक्सरसाइज यहीं पर पूरी हो जाए, पूरे एक हफ्ते की एक्सरसाइज एक दिन में पूरी। आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ कितनी हैं। और वो जो सामने एरिया है जो बसेस के साथ है, वो वेटिंग और कैंटीन एरिया। हाँ ये वाला यही है ना जी? यस सर। और ये ऊपर ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। ओके okay. और फिर उसके साथ वहीं पे वो लाइब्रेरी। आर्ट्स के साथ साथ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, ये आर्ट्स के डिपार्टमेंट और ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस यहाँ पर गार्डन के बिल्कुल लेफ्ट पे। तो यार ये यूनिवर्सिटी में यहाँ पर स्पोर्ट कम्प्लेक्स भी है, इसमें जिम वगैरह और भी बहुत सी स्पोर्ट्स की गेम्स वगैरह होंगी, लेकिन ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका काम जारी है। तो ये हैं बॉयज़ हॉस्टल, ब्लू वाले बॉयज़ हॉस्टल, और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके गर्ल्स हॉस्टल भी आएंगे। Girls